हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पकौड़े। तो हम आज बनाएंगे प्याज और आलू के पकौड़े। पकौड़े बंद गोभी के भी बना सकते हो, आप चाहो तो हरी स्टेम्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनसे भी पकौड़े बना सकते हैं, पालक के पकौड़े। पर हम बनाएंगे प्याज और आलू के पकौड़े। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। तो हमने सबसे पहले इनको वॉश किया। इनको ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पीसेस में कट कर लेंगे हम। तो अभी मैं प्याज कट कर रही थी, प्याज के बाद टर्न थी आलू की। तो मैंने कम से कम 5 या 6 आलू ले लिए थे नॉर्मल साइज़ के, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। उनका भी मैंने सेम छिलका निकाल के पानी से वॉश करके नॉर्मल साइज़ में कट करना स्टार्ट कर दिया था। पर उसी के बीच मुझे मिला ये हार्ट शेप आलू, जो बिल्कुल हर्ट लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई गिफ्ट हो। मैंने बड़ी बेरहमी से इसको भी कट कर डाला। गाइस आप देखो, अब हम इसको भी सेम वैसे ही पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने वन बाय वन हर एक आलू को सेम साइज़ के पीसेस में कट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं आलू कट कर ही, अभी मैं इनका छिलका निकाल रही थी। छिलका निकालने के बाद मैंने इनको अच्छे से ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, वैसे ही प्याज की तरह नॉर्मल साइज़ के पीसेस में कट कर लिया। तो ये मेरे आलू का छिलका निकल गया था। मैंने इनको वॉश किया और इनको पीसेस में कट करना स्टार्ट कर दिया था। चाहो तो फूलगोभी, बंद गोभी, पालक, किसी भी चीज़ के पकौड़े बना सकते हैं, पर मैंने सिर्फ प्याज और आलू लिए थे। बाद में मैंने कुछ पालक के पत्ते और प्याज के ग्रीन स्टेम्स भी ऐड किए थे, जो मैंने एंड में किया था। तो अभी मेरे प्याज और आलू सारे कट गए हैं। अब टर्न थी इसमें बेसन ऐड करने की। तो प्याज आलू में मैंने थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसमें स्वाद का अनुसार नमक ऐड किया, हल्दी ऐड की, मतलब मैंने छोटा स्पून लिया था, जिससे मैंने वन स्पून मैंने अपनी देगी मिर्ची ऐड किया, 1 स्पून मैंने मिर्ची ऐड की, 2 स्पून मैंने नमक के ऐड किए थे, कुछ थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर, और टेस्ट देने के लिए मैंने किचन किंग मसाला, आप चाहो तो ऑप्शनल में ऐड कर सकते हो, अगर ना चाहो तो ना भी ऐड कर सकते हो। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया पानी के साथ। मुझे लगा मेरा बेसन थोड़ा कम है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके और बेसन ऐड किया, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने पानी भी ऐड किया। तो अभी मेरा बैटर यानी कि मिक्सचर बन के तैयार था। मेरा मिक्सचर कुछ इस तरह से लग रहा था। जब ये फुली रेडी हो गया, मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया 5 या 10 मिनट के लिए। और दूसरी साइड मैंने गैस ऑन कर दी थी, जिस पे मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया था। तो मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया था। अब टर्न थी इसको चेक करने की ये गर्म हुआ है या नहीं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड किया, फिर मैंने वन बाय वन एक एक करके सारा मिक्सचर इसमें पकौड़े बनाने के लिए ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अभी मैंने इसमें मिक्सचर ऐड कर दिया पकौड़े बनाने के लिए। तो मेरे पकौड़े कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अभी इनको मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। देखो मैं पलटे से चेक कर रही हूँ इनको पलटना, पर ये नहीं पलट रहे थे। तक ये इजिली पलट ना जाए तब तक सोच लेना कि वो अभी पके हुए नहीं है। तो जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको पकने देना, और दूसरी साइड टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेना। और जब ये अच्छे से पक जाए यानी कि इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तब आपको अपने पकौड़े कढ़ाई से बाहर निकालने हैं, नहीं तो तब तक आपको इनको अच्छे से पकने देना है और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। तो मेरे पकौड़े अभी तैयार हो रहे थे, और अभी ये तैयार हो गए। तो मैंने इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। कढ़ाई से बाहर निकालने के बाद मैंने इसमें और मिक्सचर ऐड कर दिया पकौड़े बनाने के लिए, वन बाय वन उसको मैंने सेम वही प्रोसेस स्टार्ट किया। तो इधर मैं फिर से ऐड कर रही थी अपने मिक्सचर को पकौड़े बनाने के लिए, और ये मैंने बाहर निकाल लिए थे, और जो मेरे बाहर निकाले थे उनको मैंने प्लेट में सजाना स्टार्ट कर दिया था, कि जल्दी से जो बाहर निकले उनको मैं खाना स्टार्ट करूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरा दूसरी ओर अभी और पकौड़े बन रहे हैं, और जो मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए थे वो कुछ इस तरह से मैंने प्लेट में सजा लिए थे खाने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोस लाऊं, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।